तो हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस बोर्ड के कनेक्शन पूरी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करने बताऊंगा। और दोस्तों यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इस सर्किट के कनेक्शन आसानी से कर देगा, चाहे उसे इलेक्ट्रिकल की नॉलेज है चाहे नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा होगा ये बोर्ड तो सबके घर में होते हैं, तो चलिए इसके कनेक्शन कैसे होते हैं तो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये इस तरह की माइका शीट है, ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगी किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप से। तो फ्रेंड चलिए इस माइका शीट में हमारे ये जो सॉकेट बोर्ड है और स्विच है इसमें फिट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिट करेंगे इनको, कुछ ऐसे, और ये हमारे स्विच है इनको भी हम कुछ इस तरीके से फिट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, और मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो पूरा देखने के बाद आप इसे 100% बना लोगे और बिल्कुल सही तरीके से बना लोगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है पहले से ही तो उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं सॉकेट और उनके स्विच यहाँ पर लगा चुका हूँ मैं। तो इधर हमारे यहाँ पर कनेक्शन होंगे, ये देखिए इनके अपर साइड है, तो यहाँ पर ही हम कनेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इनवायर का यूज़ करूँगा। तो दोस्तों चलिए कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप स्विच में दो पॉइंट देख रहे हैं, तो हमें ये वायर जो है ये नीचे वाली तरफ लगाना है हमें, तो हमें ये यहाँ पर नीचे वाले इसमें होल में लगाना है। तो चलिए इसमें लगा देते हैं और इसको टाइट कर देते हैं। ये देखिए इसमें दो होल होते हैं, तो मैंने नीचे वाले में लगाया। अब इस वायर को ऊपर से मोड़ करके ये जो यहाँ पर सॉकेट का फर्स्ट वाला होल है इसमें हम लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको टाइट कर देंगे। बहुत इजी है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से कोई भी कर लेगा, बस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको कनेक्शन करने हैं। तो ये देखिए एक वायर लग चुका है, तो चलिए अब दूसरा वायर भी हम लगा देते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। तो इसको हमें दूसरे स्विच में लगाना है, इसमें भी आप देख सकते हैं सॉकेट में दो होल है, तो इस वायर को भी हमें नीचे वाले होल में ही लगाना है कुछ इस तरीके से। तो बिल्कुल ईजिली आप कर लोगे, बस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको कनेक्शन करने हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टाइट कर लेंगे इनको अच्छी तरीके से। और दोस्तों टाइट आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, लूज नहीं रखना है, नहीं तो इसमें स्पार्क होने लगता है लूज होने पर। तो अब यहाँ पर इन वायर को यहाँ पर हम लगा देंगे इस होल में। देखिए इधर वाले सॉकेट का पहला होल है और इधर वाले सॉकेट का ये पहला होल है, तो इनमें मैं लगा रहा हूँ। तो चलिए इसको टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से टाइट हो चुके हैं ये वाला होल और ये वाला होल। तो देखिए यहाँ पर दोनों स्विच के नीचे वाले दोनों होल यूज़ हो गए। अब दोस्तों स्विच के जो ऊपर वाले होल है इनमें हमें यहाँ पर फेज लगाना है, जो मेन सप्लाई हमारी आएगी, तो उसके लिए हम इस रेड वायर का यूज़ कर रहे हैं। तो इस वायर को दोनों सिरों को हमें इस तरह से मोड़ देना है, और यहाँ पर आपको पहला ऊपर वाला जो होल है इसमें ये लगा देना है, क्योंकि नीचे वाले में तो हमने सॉकेट के लिए दे दिया था वायर, तो ऊपर वाले होल में हमें फेज लगाना है। तो ये बहुत आसानी से चला जाएगा, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है इसलिए इतनी दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके से हमें इन्हें टाइट कर देना है। फिर ये देखिए टाइट मैंने कर दिया। अब ये जो दूसरा सिरा है इसका, ये इधर जो सॉकेट का ये वाला होल है इसमें हमें लगा देना है। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है दोस्तों, और इसको टाइट कर दीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्विच के सॉकेट के साथ में कनेक्शन और स्विच के इस सॉकेट के साथ में कनेक्शन हो चुके हैं, और इन दोनों को सॉकेट को यहाँ पर मैंने एक वायर से जोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक न्यूट्रल देना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये काला वायर का यूज़ करेंगे। तो चलिए न्यूट्रल को भी हम दे देते हैं। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ गाइज वैसे वैसे ही आपको कनेक्शन करने हैं। और गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और दोस्तों अगर चैनल आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अब गाइज ये हमारे पास जो ब्लैक वायर है इसे मैं न्यूट्रल की तरह यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सॉकेट का ये एक पॉइंट बच गया और इस सॉकेट का ये एक पॉइंट बच गया, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को हम आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कनेक्शन कर रहा हूँ, और इसको टाइट कर दीजिए आप बिल्कुल इजीली। ये देखिए इधर टाइट हो गया। अब ये जो सिरा बचा है इसका, तो इस वाले सॉकेट के इस वाले पॉइंट पे हमें जोड़ देना है, ठीक है, और टाइट कर देना है इस तरीके से।
तो दोस्तों कंप्लीट कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। ये देखिए इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से, तो इस तरीके से स्विच बंद है। तो जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें सप्लाई जाएगी, और जब इसे ऑन करेंगे तो इसमें सप्लाई जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने कनेक्शन किए हुए हैं। ये देखिए जब इसे हम ऑन करेंगे तो सप्लाई यहाँ से निकल करके इधर जाएगी, और जब इस सॉकेट को हम ऑन करेंगे तो सप्लाई यहाँ से निकल करके इधर जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट में दोनों में सप्लाई है। तो चलिए अब इसमें फेज और न्यूट्रल लगा देते हैं। तो देखिए फेज के लिए मैं पीला वायर यूज़ करूँगा और न्यूट्रल के लिए ब्लैक। तो ये हमें वायर कहाँ लगाने हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम न्यूट्रल लगा लेते हैं। तो न्यूट्रल के लिए मैं ब्लैक यूज़ करूँगा वायर। तो जैसे मैंने बताया जहाँ पर आपको ये ब्लैक वायर दिख रहा है यहीं पर हमें न्यूट्रल देना है। ठीक है, तो चलिए न्यूट्रल देते हैं इसमें। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल वायर हो गया हमारा, ये देखिए लग चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम फेज के लिए ये येलो वायर यूज़ करेंगे। तो मैंने बताया है स्विच के जो बीच में हमने वायर लगाया ये वायर देखिए, तो यहाँ पर हमें फेज देना है। ठीक है, तो आप फेज किधर भी दे सकते हैं, बीच में ही देना है लेकिन, और ऊपर वाले पॉइंट में ही देना है। तो एक वायर आप लूज़ कर लीजिए कोई भी, और उनमें ही हमें लगाना है। तो चलिए मैं ये वाला पॉइंट लूज़ किया, तो हमें ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देना है इसके साथ में, और इसको टाइट कर देना है अच्छी तरीके से जिससे कि वायर लूज ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें फेज भी मिल गया और न्यूट्रल भी मिल गया। दोस्तों बिल्कुल इजी कनेक्शन है, जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको कनेक्शन करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं बोर्ड हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये दोनों जो वायर है इन्हें हम बोर्ड में लगाते हैं और देखते हैं हमारे कनेक्शन सही से लगे हैं या नहीं, यानी हमारा सॉकेट काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर एक अलग से ही एक्सटेंशन बोर्ड है, ये देखिए सप्लाई यहाँ पर आ रखी है। तो दोस्तों चलिए अपने इस सॉकेट बोर्ड के यहाँ पर इस एक्सटेंशन बोर्ड में कनेक्शन कर देते हैं। तो ये देखिए कनेक्शन हो चुके हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर सर्किट में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, जो तार जहाँ था वहीं पे है। तो हम इसको इस तरह से चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैं बंद कर रहा हूँ, ये मैंने बंद कर दिया। तो गाइस सर्किट हमारा रेडी है। तो यहाँ पर देखिए टेस्टिंग के लिए मैं एक बल्ब यूज़ कर रहा हूँ, होल्डर के साथ में यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। तो इसको हम इस सॉकेट में लगा देते हैं। तो जब मैं बटन ऑन करूँगा तो ये बल्ब हमारा जलना चाहिए। तो देखिए, तो गाइस देखिए कनेक्शन हमारे बिल्कुल ठीक है, बल्ब हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से जल रहा है, ये देखिए। तो चलिए अब दूसरे सॉकेट में इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा सॉकेट, और ये मैं लगा चुका हूँ। चलिए इसको भी ऑन करके देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं गाइस ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एक बार मैं बैक साइड से आपको दिखा दूँ, तो देखिए कनेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं है, जिस तरह से कनेक्शन मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही कनेक्शन यहाँ पे हो रखे हैं। और गाइस ये कनेक्शन आपको ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि ये हर घर में इस तरह का बोर्ड होता है, और अगर आप इस कनेक्शन को सीख लेंगे तो ये आसानी से आप अपने घर के बोर्ड को आसानी से रिपेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड बहुत ही आसान कनेक्शन है, और मैं समझता हूँ आप 100% सीख गए होंगे और इसे आप ज़रूर बना लेंगे। लेकिन फिर भी गाइज अगर आप पहली बार इस तरह का इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हो तो अकेले आप बिल्कुल ना करना, ये मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो किसी एक्सपर्ट को अपने साथ में लेकर के ही इस तरह का आप काम करें, वरना अकेले बिल्कुल भी ना करें। तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिकल आपको कैसा लगा ये कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप मुझे कमेंट करें, उसका भी मैं जवाब दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।